बस वो आगे मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है बस बहुत हो गया कि सच्चा और अच्छा बच्चा बनने का नाटक, अच्छा सारा ड्रामा खत्म। मॉन्टू द ग्रेटेस्ट अकानी शैतान बच्चा था और शैतान बच्चा ही रहेगा, क्योंकि मुझे अच्छे बच्चों को देखते उन्हें परेशान करने की खुजली होती है, उन्हें रुलाने का मन करता है और मुझे ऐसा करके बड़ा मजा आता है और मैं आगे से ऐसा ही करूंगा। वाह बहुत वाह, आपको वापस आपके रूप में देखकर ना मजा आ गया। हाँ बस हम पर ओरिजिनल पुराने पूरे बच्चे मोंटू बॉस को बहुत मिस कर रहे थे। हाँ मेरा प्यारा गोलू मोलू शरारती बच्चा आइए, हमारे पुराने हाथी मेरे साथी। अब हमें विश्वास हो गया कि आप ही हमारे पुराने मोंटू बॉस हो। और देखना मैं इन को कैसे पहले जैसे परेशान करता हूँ। मामा 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 मांटी मांटू मामा 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 मांटू मामा 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 मांटू। हाय मानव। हेलो। क्या मानव झूला झूलने में मजा आ रहा है? हाँ। शाबाश, अब तो तुम्हें और भी मजा आएगा झूला झूलने में। सच्ची? हाँ सच्ची वाणी। रोहित केवल। लेकिन मोंटू तू रोहित केवल को क्यों बुला रहा है? अरे मानव तुम्हें अभी पता चल जाएगा, तुम देखो तो सही। हे रोहित केवल, अभी पता चल जाएगा तू। रोहित केवल झूला झुलाओ। क्या बात कर रहे हो बॉस, आपको झूला झुलाना तो दूर, लेना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अरे बॉस हम पे नहीं पर इस बेचारे झूले पे तो तरस का, आप जब इस पे बैठोगे तो इसे कितना दर्द होगा, ये बेचारा कितना रोएगा। मत रो बच्चा मत रो। मेरी बात नहीं कर रहा था मैं, मानव और वाणी की बात कर रहा था। मानव और वाणी को झूला झुलाओ और ऐसा झूला झुलाओ जिन्होंने जिंदगी में कभी ना झूला हो। नहीं मोंटू हम खुद झूला झूल लेंगे। हाँ मोंटू हमें इनकी हेल्प नहीं चाहिए। पर हमें हेल्प करनी है ना। और हाँ तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो क्या कर रहा है मोंटू? ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का असली रूप है। रोहित केवल झूला झूलाओ। मानो वाणी तुम्हें से रोते हुए देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो जाने दो बॉस मत बताओ। नहीं मैं बताऊंगा, मुझे इन्हें परेशान करके कितनी खुशी हो रही है ये मुझे बताना है। लेकिन तू तो अच्छा बच्चा बन गया था ना मोंटू? था लेकिन अब मैं फिर से वही मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी बुरा बच्चा बन गया हूँ। ये अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में मेरी बैन बच गई, मुझे नहीं बनना ही अच्छा बच्चा, मैं बुरा बच्चा ही ठीक हूँ। और हाँ अब देखना मैं तुम जैसे अच्छे बच्चों को पहले जैसे ही परेशान करूंगा मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी स्टाइल में। रानी परी आपने हम सबको यहाँ बुलाया? हाँ परियों, हमने परी लोग की सुरक्षा के लिए एक अचूक उपाय सोच लिया है। ऐसा उपाय जो भयंकर परी सोच भी नहीं सकती।
ऐसा क्या उपाय है रानी परी? हाँ रानी परी, ऐसा कौन सा उपाय जो भयंकर परी के सोच के परे? जल्दी बताइए रानी परी, हम सभी वो उपाय जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। परियों, हमने तय किया है कि परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम किसी खास सुरक्षा कर्मी को देंगे। खास सुरक्षा कर्मी? ऐसा कौन होगा? रानी परी, कहीं आप बालवीर को तो हमेशा के लिए परीलोक में रखने के बारे में नहीं सोच रही है ना? नहीं बालपरी, हम बालवीर को बच्चों से दूर कैसे कर सकते हैं? बालवीर तो बच्चों के सबसे अच्छे और प्रिय दोस्त है। तो फिर कौन है वो रानी परी जो भयंकर परी का मुकाबला कर सकता है? हाँ रानी परी, वो खास सुरक्षा कर्मी है महागजनी। हाँ, सतरंगी जंगल की सुरक्षा करने वाली महागजनी। रानी परी, क्या महागजनी परीलोक की सुरक्षा कर पाएगी? महागजनी शक्तिशाली और बलशाली है और हमें पूरा विश्वास है कि महागजनी परीलोक की सुरक्षा कर पाएगी। लेकिन रानी परी, क्या महागजनी भयंकर परी की जादुई शक्तियों का मुकाबला कर पाएगी? सिर्फ बल ही नहीं, उनके पास जादुई शक्ति भी है और उसी जादुई शक्ति से आग के गोलों से आक्रमण भी करती है महागजनी। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि महागजनी के होते हुए भयंकर परी परीलोक पर हमला करने का सोच भी नहीं सकती और हमारा परीलोक हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। ये चिट्ठी है किसकी? गजानन की। अबुजी, गजानन की चिट्ठी है। अरे वाह, गजानन भाई की चिट्ठी, मजा आएगा मजा आएगा। गजानन जिसके साथ मैं पला बढ़ा, अरे बापूजी की गोद में हम लोग खेले हैं। गोद में खेले? बचपन में तू भी मेरी गोद में खेला है। अच्छा, लेकिन उन्होंने चिट्ठी क्यों भेजी है? पिता, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो साजी सूजी में विश्वास रखता है। मतलब सादा जीवन सुखी जीवन। अरे हाँ, गजानन ऐसे ही बोलता है। लेकिन शुभांगी भाभी ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। शुभांगी भी ऐसे ही बोलती है। पूरी बात में ये मेन बात तो बताना ही भूल गया, गजानन उसके दो बच्चे और शुभांगी भाभी यहाँ रहने आने वाले हैं। शुभांगी यहाँ रहने आ रही है? गजानन उसके दो बच्चे और शुभांगी भाभी यहाँ रहने आने वाले हैं। शुभांगी यहाँ रहने आ रही है? अरे भाई काम करो सब ठीक से। अरे क्या बात है महेश बेटा, बहु बढ़िया रंगोली बनाई है और तू खड़े खड़े देख रहा है, इतना काम बाकी, जाके काम करो ने भाई, काम करो ने। अरे अरे उधर देख, दो फूल ऐसे हो गए, उसको ठीक कर बेटा। चलो चलो, अभी बहु आती होगी, चलो तैयारी शुरू करो, चलो सब संभाल के।
खाओ लिख के आओ, चल 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 चल, आजा बेटा संभाल के संभाल के। बेटा अभी वो लेके आ, वो क्या, वो गोल गोल होता है ना जिसे हम ऐसे लात मारते हैं, फुटबॉल। तेरी शादी में फुटबॉल खेला था तू? नहीं, शादी में फुटबॉल खेलता है कोई? नहीं। अरे वो क्या होता है वो गोल गोल? बाबूजी कलश, कलश। हाँ कलश बेटा, वो लेके आओ, बोलना चाहिए ना बाबूजी। हाँ हाँ, लोग आ रहे हैं। आ गए आ गए। वाह महेश, कितनी बढ़िया तैयारी कर रखी तूने। हाँ तो तू मेरा बचपन का दोस्त है भाई, मेरा हक बनता है ये सब करना। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आ, बेटा वो कलश दो, ये रख दो कलश। अभी कलश को धक्का मारो। हाँ चावल नीचे गिराने। अरे की फल पहने रूप प्रवेश करना है। हाँ चप्पल निकालो निकालो चप्पल। हाँ राइट 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 ले। रंगोली। सॉरी सॉरी महेश सॉरी। अरे बेटा शादी का पहला दिन है, तेरा 5-7 दिन जाने दो, उसके बाद जो कर रहे करना है। अभी एक काम करो, ये कलश है ना, कलश को ऐसे धक्का मारो और चावल ऐसे सीधे आने सीधे। हाँ चावल भांगी को यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों बाबूजी? क्योंकि वो जितनी हिलती है उससे ज्यादा घर को हिलाती है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, इस बार वो हमारे यहाँ नहीं रहने वाले हैं, इस बार वो उनके घर में रहने वाले हैं। 2 दिन के बाद आएंगे, तब तक मैं उनके लिए किराए का घर ढूंढ लूंगा। ढूंढ जरूर लेना बेटा। आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, कुछ नहीं आउट है। चल अभी नहीं चल, आउट है, आउट है, हाँ आउट है। मुझे नहीं खेलना। आजा नहीं खेल, चल। अरे मानव वाणी तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मोंटू की वजह से। मोंटू फिर से पहले जैसा शैतान बच्चा बन गया है, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा शैतान बच्चा बन गया है। हमें मोंटू को सबक सिखाना ही होगा। हाँ वरना उसे लगेगा कि हम सब लोग उससे डर गए। मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ, बालवीर उसे अच्छा सबक देगा। बालवीर! 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 क्या हुआ मानव, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, मोंटू फिर से पहले जैसे शैतान बच्चा बन गया हो तो फिर सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? मुझे तो पता था कुत्ते की पूंछ दी हो सकती है, लेकिन मोंटू नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं उसे सीधा करूंगा। कुत्ते की पूंछ को? नहीं, मोंटू को। और बालवीर इस बार तो मोंटू को अच्छा सबक सिखाना। नहीं मानव, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। का मतलब है बालवीर कि तुम हमारी मदद नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं मानव, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मैं उसे सजा नहीं दूंगा, बल्कि वो खुद अपने आप को सजा देगा। कैसे? ऐसे। बस अब देखते जा। चलो सतरंगी जंगल में पहुंच चुके हैं। रानी परी यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे सब जगह रंग ही रंग बिखरे हुए हैं। हाँ है, बहुत ही अद्भुत है जंगल। हाँ रानी परी,
ये तो बहुत ही रंग बिरंगा और सुंदर जंगल है और खतरनाक भी। परियों, हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। सावधान क्यों रानी परी? क्योंकि हम यहाँ पर महागजनी की आज्ञा के बिना आए हैं। और कोई भी महागजनी की आज्ञा के बिना इस सतरंगी जंगल में आए और यहाँ की सुरक्षा को सेम लगाए, ये महागजनी को बिल्कुल पसंद नहीं। हम जानते हैं, पर हमारा महागजनी से मिलना बहुत जरूरी है। किससे मिलना है और किससे नहीं, ये तुम नहीं महागजनी तय करेगी। परंतु हम इस जंगल के दुश्मन नहीं, मित्र हैं। हाँ, पर है जानते हम ये जंगल नहीं। हाँ, और महागजनी अपने दुश्मनों को तुरंत पहचान लेती है। तो आप हमें जल्द से जल्द महागजनी से मिलवा दीजिए ताकि हम उन्हें बता सके कि हम उनके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। महागजनी से मिलने तुम्हें इस जंगल के अंदर जाना होगा जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हम कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, जाओ, पर इस जगह से आगे तुम अपने रथों में नहीं जा सकते। ठीक है परियों, हमें अपने रथों से उतरना होगा और हमें पैदल ही महागजनी को ढूंढना होगा। जी रानी परी। नादान परियो, तुम महागजनी को नहीं ढूंढ पाओगी क्योंकि महागजनी खुद अपने दुश्मनों को ढूंढ लेती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम महागजनी से बिना मिले यहाँ से नहीं जाएंगे। चलिए परी। जी रानी परी। आज्ञा के किसकी हिम्मत हुई सतरंगी जंगल में कदम रखने की? मैं अभी जादुई रक्षक बेनों को सतर्क कर देती हूँ। आपने ये आवाज सुनी रानी परी? हाँ, ये महागजनी की आवाज है। महागजनी की ऐसी आवाज सुनकर लग रहा है जैसे कि वो बहुत गुस्से में है। और अगर ऐसा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। हाँ, हमें अपना हर कदम संभाल कर चलना होगा क्योंकि हर रास्ता हमें किसी खतरे की ओर ले जा सकता। गजनी ने करवाया होगा। कुछ कीजिए रानी परी, कुछ कीजिए। सतरंगी जंगल की सीमाओं में प्रवेश करने वाले दुश्मनों को महागजनी आज छोड़ेगी नहीं। सुरक्षा के लिए आए थे लेकिन हम सब तो स्वयं ही यहाँ फंस गए। अरे, अब पहुंचेंगे कैसे महागजनी के पास हम? आप भूल गए डूबा डूबा एक, उस पेड़ ने हमसे क्या कहा था कि महागजनी अपने दुश्मन खुद ही ढूंढ लेगी। हाँ, पर हम महागजनी को एक शत्रु की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह मिलना चाहते हैं। इसीलिए उसके आक्रमण से पहले हमें अपने आप को इन बेलों से कैसे भी करके आजाद करना ही होगा। खाओ, बहुत दिनों के बाद खाया हूँ। हाँ बस, आपके पैसे का बहुत दिनों के बाद खाया। बस नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा। अरे पिज़्ज़ा वाला बहुत तो खाओ। तुमने मुझे बुलाया माना? बालवीर, मैंने तुम्हें यहाँ पर मोंटो की शिकायत करने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या किया मोंटो ने? उसकी वजह से मुझे चोट लग गई।
ये तो मानो और बालवीर है। बॉस, मानो ने बालवीर को बुला लिया। बॉस, अब आपके साथ हमारी भी पिटाई होगी। अरे बॉस, आपको कितनी बार कहा है कि हमें सिर्फ पिज्जा बर्गर खाने का शौक है, लेकिन आप हमें सिर्फ मार ही खिलवाते रहते हो। अब चलो बालवीर के पास जाते और उसे सॉरी बोलते। बालवीर, तुम ना मोंटो को ऐसी सजा देना कि उसकी अकल ठिकाने पे आ जाए, या फिर तुम मोंटो को हवा में उल्टा लटका दो। नहीं मानो, मैं मोंटो को सजा नहीं दूंगा, क्योंकि उस पे मेरी सजा का कोई असर ही नहीं होता है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मोंटू पे मेरी सजा का कोई असर नहीं होता, तो फिर आज के बाद अगर वो तुम्हें परेशान करेगा तो तुम पे भी उसका असर नहीं होगा, बल्कि अगर वो तुम्हें मारेगा तो उसे ही चोट लगेगी। सच्ची बालवी, मोंटू के मार का दर्द मुझे नहीं होगा? नहीं माना, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तब दर्द होगा जब मोंटू को मार पड़ेगी। मतलब जितनी मार मोंटू खाएगा उतना ही दर्द तुम्हें होगा। लेकिन मोंटू को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर मुझे ना दर्द। अब मैं चलता हूँ मानो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम आराम से यहाँ पे खेल सकते हो। अब तो मैं टेंशन फ्री, क्योंकि अगर मोंटू मुझे मारेगा तो दर्द तो उसी का होगा। उस आपका तो बैड लक भी है ना, आपकी अक्ल से ज्यादा खराब है। मेरी अक्ल है ना, खराब नहीं है, बहुत तेज है। मानो मुझसे पहले भी पीटता था और अभी भी पीटेगा, अभी बस देखो। देखा, मेरे थप्पड़ का असर उधर उधर मानो को रहा है, उसे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं। वेरी गुड बॉस, एक और थप्पड़। एक काम करो, तुम दोनों भी मुझे मारो। सच्ची? मतलब आप जैसा कहो। हाँ, आप जैसा कहो वैसा। मत मारो, दर्द हो रहा है। पुकी, तू भी मार, मार मुझे मार। नहीं नहीं मोंटू, भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? अरे मार, वरना मैं तुझे मारूंगा। मार मार मार। मानो को कितना दर्द हो रहा है, वो रोने की जगह पे हंस रहा है। अरे बॉस, इसकी हंसी पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ हमारी खुशी पे ध्यान दो जो हमें आपको पीट कर मिल रही है। क्या? मानो, तू ज्यादा दर्द की वजह से हंस रहा है ना? मानव अपने दर्द की वजह से नहीं हंस रहा है, बल्कि वो तुम्हारी बेवकूफियों पे हंस रहा है। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि तुम खुद अपनी पिटाई करवाओ, इसलिए मैंने ये खेल खेला। और देखो, तुम इस जाल में फंसकर खुद अपनी पिटाई करवाने लगे। याद रखो मोंटू, जैसे को हमेशा तैसा ही मिलता है, इसलिए अगली बार अगर तुमने इन बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू बालवीर। चलो बच्चों। ये सतरंगी जंगल हिल रहा है, इसका मतलब है कि महागजनी हमारे पास पहुंच गई है। इससे पहले कि महागजनी हम पर दुश्मनों की तरह वार करे, कुछ
कुछ कीजिए। पर हम क्या करें परियों, हमारा जादुई दंड भी इन बेलों में उलझ गया है और हम अपने ऊपर लगी इन बेलों पर वार भी नहीं कर सकते। रानी परी, रानी परी, हम अपने इस जादुई दंड से अपनी बेलों पे तो वार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के बेल पे वार तो कर सकते हैं ना। ठीक कहा बाल परी, लेकिन परियों ध्यान रहे, आपके वार सीधा आपकी बेलों पर ही लगने चाहिए, वरना आपके वार से आप एक दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। जी रानी परी, हम कोशिश करते हैं। शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं, रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो महागजनी, खुश रहो। सच्चाई और अच्छाई की रक्षक रानी परी और आप परियां यहाँ घने और खतरनाक सतरंगी जंगल में क्या कर रही हैं? हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? क्यों? क्योंकि भयंकर परी की वजह से परीलोक पे काफी खतरा बढ़ गया है। हाँ महागजनी, और हमारे द्वारा परीलोक की सुरक्षा के लिए बनाए गए सारे सुरक्षा कवच वो भेद देती है और परीलोक में दाखिल हो जाती है। महागजनी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ परीलोक में चले और परीलोक के खास सुरक्षा कर्मी बनकर वहाँ का कार्यभार संभाले, ताकि फिर से वो भयंकर परी परीलोक को कोई नुकसान न पहुँचा सके। परीलोक की सुरक्षा कर्मी बनना मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन इस समय मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ परीलोक नहीं जा सकती और परीलोक की खास सुरक्षा कर्मी नहीं बन सकती। बापूजी, चाय। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। देखो मैं किसे लाया हूँ। किसे लाया महेश? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। आया, आया, आ। ये है गिर पड़े। तो दिखता है। अरे उठिए उठिए, इनका नाम गिर पड़े हैं। कोई यहाँ संभाल के बैठा हो। बैठा रहो, बैठा रहो, बैठा रहो, बैठा रहो, आई बैठिए, बैठिए। संभालिए, संभालिए। ये करते क्या है? बाबूजी ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। संभालिए, संभालिए। तो भाई इनको कहे कि पहले अपनी इमारत संभाले। मेरे साइज पे मत जाइए, मेरे बहुत सारे घर किराए पे चढ़ाए हैं। संभालिए, संभालिए। पहले इनको ग्लूकोज चढ़ा ताकि ये ठीक से बैठ सके। पानी, पानी पियेंगे आप? नहीं, मैं क्लाइंट के घर पे पानी तक नहीं पीता। वाह, कोल्ड ड्रिंक लाइए। हाँ, अभी नहीं। हाँ, तो कोई मकान है आपके पास? हाँ, बहुत सारे घर हैं। एक तो लोखंड वाला में है जिसके बालकनी से समुंदर दिखता है। लेकिन लोखंड वाला में समुंदर कहाँ है? करेक्ट, इसीलिए तो बालकनी के बाहर समुंदर का पेंटिंग लगाया है। जब जी चाहा खोलो दरवाजा, देखो समंदर। कहाँ से लाया ये बंदर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ए भाई, नहीं 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 भाई, नहीं, हमें ऐसे नकली समंदर वाला ऐसा घर हमें नहीं चलेगा। मुटे भाई, मकान वैसे भी नहीं चलता है। महेश रॉकी, दहिसर में एक घर है,
नहीं नहीं इधर तो बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। नहीं नहीं इधर नहीं भाई, मेरे दोस्त के लिए ऐसा घर चाहिए उसके उसूलों जैसा बड़ा। अशुभांगी भाभी के दिल जैसा खुला जिसमें मैं कभी भी आ जा सकूं। हाँ, जैसे हमारे दिल बहुत करीब है ना, वैसे हमारे घर भी बहुत करीब चाहिए। हाँ, ताकि हमारे दिल में हम जैसे आ जा सकते हैं वैसे ही घर में भी आ जा सके। अच्छा, तो आपको ऐसा घर चाहिए जो बड़ा हो, अच्छा हो, आप एक दूसरे के पास आ जा भी सके। ऐसा घर है ना? कहाँ है? ये आपका घर? नहीं, जल्दी पर बाबा। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, बाबूजी उठिए। अरे अरे, आप क्यों गिर पड़े? मैं हूँ ना, गिर पड़े। हाँ देखो, उनको है ना, हमें हमारे घर में नहीं रुकाना है। ओ, I see। संभालिए, आप संभालिए, गिर रहे, बहुत गिर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ जल्दी से जाओ और दो दिन के अंदर नया मकान ढूंढो। हाँ हाँ ठीक है। गिर पड़े? कुछ नहीं, पैर छू रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है भाई। चलो आइए, अल्लाह संभाल के लेके जाओ। संभाल के, संभाल के, संभाल। बेरंगी जहर बनाकर जहरीली माया दिखा देगी कि उसका जहर कितना कितना विनाशकारी है। बन गया वो बेरंगी जहर जो भयंकर परी को चाहिए था। अब तो उन परियों का विनाश तय है। आप इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, कुछ देर और सोच लीजिए। हाँ महागजनी, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ महागजनी, क्योंकि परी लोग को आपकी मदद की आवश्यकता है। या फिर है क्या आपको परीलोक से कोई समस्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर महागजनी, आप परीलोक के खास सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं बनना चाहते? मैं आपको इसका जवाब बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी, और उसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है महागजनी, चलिए। रानी परी, परियों वो है मेरे परीलोक ना जाने का कारण। ये तो कितना प्यारा है। हाँ एकदम भोला और शरारती भी। हाँ कितना प्यारा है, देखो देखो कैसे आनंद ले रहा है। देख के इसको कर रहा मेरा भी मन इसके साथ खेलने का। रानी परी, क्या जा सकता हूँ मैं इसके साथ खेलने को? हाँ डूबा डूबा जाइए। है नहीं खेलना मुझे, बिगा दिया मुझे, ऊंचा ना मैं। नहीं खेलना मुझे, बिगा दिया पूरा, है ये शैतान। महागजनी, आप इसी की वजह से
परीलोक नहीं जाना चाहती ना? हाँ, क्योंकि ये है मेरा पुत्र गज्जू। गज्जू गज्जू। हाँ माँ। महागजनी, आपका पुत्र तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसके कारण परीलोक में ना आना ये क्यों? दरअसल रानी परी, गज्जू अभी बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, सतरंगी जंगल का प्राकृतिक माहौल ही उसके लिए अच्छा रहेगा, और यहाँ के जैसा माहौल इसे वहाँ परीलोक में नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि गज्जू की परवरिश पे कोई भी असर पड़े, इसीलिए मैं परीलोक नहीं जाना चाहती। महागजनी, हम आपके अपने पुत्र के प्रति प्यार को समझ सकते हैं, आपकी ममता के बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक गज्जू छोटा है तब तक तो आप परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल सकती है ना? ठीक कहा बाल परी। और जब आपको लगे कि गज्जू को उसके सही विकास के लिए सतरंगी जंगल में वापस लौट आना चाहिए तो आप लौट आइएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं। महागजनी, आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ सवाल गज्जू का है, इसीलिए मैं अपने पुत्र गज्जू से ही पूछूंगी कि क्या वो परीलोक जाना चाहता है। क्यों गज्जू, तुम जाना चाहते हो परीलोक? हाँ माँ, मैं अपने नए मित्र के साथ परीलोक जाऊंगा। आइए भयंकर परी, आइए। ओ जहरीली माया, वो मैं भी साथ में इनके, शायद पड़ी नहीं आपकी नजर मुझ पर। शुक्र करो कि मेरी नजर तुम पर नहीं पड़ी, वरना मेरी नजर जिस पर भी पड़ती है ना, उसका विनाश हो जाता है, विनाश। फिर तो है अच्छा, आप देखो परी भयंकर कोई। ताबा ताबा, चुप करो जहरीली माया, मुझे उम्मीद है कि तुमने बेरंगी जहर बना लिया होगा। हाँ भयंकर परी, जैसा बेरंगी जहर आपको चाहिए था वो तैयार है। और ये इतना तेज है कि इसके दो बूंदे पूरी नदी को जहरीला बनाने के लिए काफी है। ये लीजिए। अब मैं बहुत आराम से उस नदी में जहर को मिला दूंगी और उन बेवकूफ परियों को पता भी नहीं चलेगा कि जैसे ही वो उस नदी का पानी पिएंगी, ये जहर उनमें समा जाएगा। अब उन सच्ची और अच्छी परियों को भयंकर से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। मोंटू, हमें बॉल पास करना प्लीज। अरे मानव, मोंटू बस खुद आज तक कभी पास नहीं हुआ, तो बॉल क्या पास करेंगे। तुम सब पिद्दी हो, गेट आउट। यहाँ
हम तीनों खेलेंगे। तुम्हें खेलना है तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो। हाँ मोंटू, तू गोलकीपर बन जा। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी गोलकीपर। हट। मैं कैप्टन हूँ कैप्टन, और कैप्टन का ऑर्डर है तुम सब यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो? सिंपल है, मोंटू बस गेट आउट हो जाएंगे, है ना बस। मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी को ना सुनने की आदत नहीं है। किसी को और कुछ बोलना है? मोंटू मुझे नीचे उतार दे, वरना मैं बालवीर को बुलाऊंगा। बालवीर को बुलाएगा? हाँ, तो बुलो बुलो बुला बुला। ये बच्चों को कौन परेशान कर रहा है? अभी देखता हूँ। क्यों कर रहे हो? तुमसे मतलब? बच्चों की हर परेशानी से माइटी राजू को मतलब है। हाँ, क्योंकि माइटी राजू भी बच्चों का दोस्त है। माइटी राजू, ये मोंटू हमें फुटबॉल खेलने से रोक रहा था। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ फुटबॉल खेलना है। अच्छा तो ठीक है, तुम ही खेलो यहाँ फुटबॉल, बल्कि चलो मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम बॉल मेरी तरफ पास करो। Get a cup of coffee, Brigadeiro Toffee, or a shot of cappuccino that will make you wanna fly. Playing with Ronaldo, or with Ronaldinho. Mikey Raju, come into Rio. Mikey Raju, Rio calling. Music for the playground all around the Brasileiro. Every kind of थैंक यू माइकी राजू, तुमने इस मोंटू को अच्छा सबक सिखाया है। वैसे ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ये मोंटू तो हमसे कितना ताकतवर है। हमारी असली ताकत सिर्फ हमारे शरीर में नहीं होती है, बल्कि हमारे दिमाग में भी होती है। माय डियर राजू, ये सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं नहीं मानता, तुमने मुझे अपनी ताकत से तोड़ा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं और फिर भी तुम्हें हरा दूंगा, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। बिना छुए कभी नहीं, बल्कि अभी तो मैं तुम्हारी हालत खराब करूंगा। देखते हैं। केवल जा बैठ ले, क्या अब हम क्रिकेट खेलेंगे। जा हम ए, आदे, 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 आदे।
चलो बॉस। जाओ फील्डिंग करो। Get a cup of coffee, brigadeiro toffee, or a shot of cappuccino that will make you wanna fly. Playing with Ronaldo, or with Ronaldinho. Mikey Raju, come into Rio. Mikey Raju, we are calling. Music for the playground all around the Brazilian. Every kind of color, race of culture coming down and you will know. Mikey Raju, ab mere mukke se bach ke dikha. Hey, Rohit Kewal, mera muh kya dekh rahe ho? Meri help karo. Kewal, ja. हाँ रोहित जा। मैंने क्या किया? बॉस अब आप जाओ। हाँ अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता राजू। मोंटू रोहित केवल चलो तीनों प्रिंसिपल के पास। सर देखा बच्चों सिर्फ अपना दिमाग लगाकर मैंने मोंटू को बिना छुए उसे उसकी गलती की सजा दिलवा दी। अब आगे तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। बच्चों सही कहा माइटी राजू क्योंकि जब तक आपके पास आपके दिमाग की शक्ति है तब तक आपको अपने आप को किसी के सामने कमजोर समझने की जरूरत नहीं। खुश रहो बालवीर खुश रहो। खुश रहो माइटी राजू खुश रहो। और हाँ मेरी गैर मौजूदगी में इन बच्चों की मदद करने के लिए और इन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों का दोस्त बनकर मुझे हमेशा खुशी होती है और इसी बहाने मैं आज तुमसे भी मिल लिया बालवीर। बच्चों तुम हमेशा मेरी सीख याद रखना और 16 मई को मुझसे मिलना मत भूलना क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपके नजदीकी सिनेमा घरों में माइटी राजू रियो कॉलिंग को लेकर। तो आओगे ना मुझसे मिलने? हाँ, हाँ, बाय दोस्तों। बापूजी ये आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। अचानक थैंक यू बापूजी। वो क्या है ना महेश घर ढूंढ रहा है गजानन और शुभांगी के लिए लेकिन सरदर्द मुझे हो रहा है। बापूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए उनके लिए घर मिल जाएगा आप फिक्र मत कीजिए ठीक है। हाँ और अगर घर नहीं मिला तो अपना घर तो है ना। शुभ शुभ बोल शुभ शुभ बोल शुभ शुभ। मम्मी वैसे हम किसके लिए घर ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त और उनके परिवार के लिए। तुम्हें पता है उनके दो बच्चे भी हैं सचिन और सोनाली बिल्कुल तुम्हारी और मेहर की तरह। अरे वाह बच्चे फिर तो बाबूजी उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। क्या बोल रहा है तू
बापूजी आजकल आपको सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। रॉकी बापूजी। महेश नमस्ते बापूजी। अच्छा तू नीचे हाँ गिर पड़े ना भाई, घर मिला? हाँ मिलेगा क्यों नहीं, बहुत घर देखे। अरे वाह, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। बाबूजी फोन आ रहा है, फोन आ तो उठा लेकिन ये उसे गिरने दे। नहीं मेरा चलता रहेगा, आप उठाइए। गजानन का फोन है। हाँ गजानन वही तुझे ही याद कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है। फोन की तेरी तेरी लंबी उम्र है। अच्छा महेश मेरे लिए घर तो ढूंढ लिया ना तूने? अरे हो जाएगा, हो क्यों नहीं जाएगा, हमारे साथ गिर पड़े हैं। हो जाएगा। मुझे पता था महेश तू मेरे लिए घर ढूंढ ही लेगा, अब हम सब लोग कल आराम से आ सकते हैं। क्या कॉल आ रहा है? कॉल क्यों नहीं, क्यों 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 नहीं? अरे भाई तू मेरा दोस्त है, तू कभी भी आ सकता है। लेकिन तू तो परसों आने वाला था। अरे नहीं महेश, तू अपनी वहिनी को तो जानता है, अरे उसने चिट्ठी में गलत तारीख लिख दी थी, हम सब लोग तो कल ही आ रहे हैं। ओके मैं तुझे स्टेशन पे लेने आ जाऊंगा। हाँ ठीक। बापूजी गजानन उसका परिवार कल ही आ रहा है और हमने अभी तक घर भी नहीं ढूंढा है। हमने नहीं तूने। मुझे क्या देख रहा है, इतने जल्दी घर मिलेगा भी नहीं। हे भगवान बापूजी अब तो उन्हें हमारे घर ही लाना पड़ेगा। क्या जहरीली माया, तुम्हारे इस जहर को परिलोक की नदी में मिलाने से पहले मैं उसका परीक्षण करना चाहती हूँ। क्यों भयंकर परी, आपको जहरीली माया के जहर पर भरोसा नहीं? नहीं ऐसी बात। भरोसा है जहरीली माया, मुझे तुम्हारी कला पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार मैं कोई भी चूक नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है भयंकर परी, आप इस जहर को पानी के इस कुंड में डालकर देख सकती हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। वाह जहरीली माया, तुम्हारा बनाया हुआ जहर तो वाकई बेरंगी। भयंकर खुश हुई। ओ परी भयंकर, हे आप बड़ी भोली, माना माना कि है ये जहर बेरंग पर असरदार तो है ना। पता चला कि है वही बेकार। तो ठीक है इसका भी परीक्षण कर लेते। तो? पर इसका परीक्षण कैसे होगा? इसका परीक्षण तौबा तौबा करेगा। हाँ तौबा 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 तौबा, अरे एकदम बढ़िया परी भयंकर, है ये जहर एकदम बढ़िया। अरे हूँ मैं जानता। अच्छा तो मैं ये बात कैसे मानूं? पानी पियो तौबा तौबा। परी भयंकर मान गई आप तो पूरा। अरे जहरीली माया का जहर हो सकता है कभी बेकार? कभी नहीं। पानी पियो तौबा तौबा। परी भयंकर सोचिए, नहीं मिलेगा आपको ये कीमती हीरा पूरी कायनात में। चलो
श्री श्री तोबा तोबा जी, अलविदा। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी तौबा तौबा। मजाक मजाक हर बार मजाक। पर मैं परियों के साथ कोई मजाक नहीं करूं। ये बेरंगी जहर मैं परीलोक की नदी में मिलाकर उन सारी परियों को बेकार कर दूंगी। बेकार। भाई साहब, नासिक रोड वाली बस आ गई। अरे सचिन कितना बड़ा हो गया। सॉरी सॉरी, नमस्ते। देखा गजानन, मैंने कहा था ना मैं तुझे लेने आऊंगा, मैं आ गया। मुझे पता था महेश, मुझे पता था एक ना एक दिन तू मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। और मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन मेरे यहाँ जरूर आएगा। कैसी है वहनी आप? और सचिन सलोनी टैक्सी में रख दू? सचिन सलोनी को समान। कितना हुआ? 300 रुपए। 300? एक मिनट भाई साहब, बिल्कुल गलत। आपको जोका वोका करना चाहिए। जोका वोका? अरे जो कहा वही करना चाहिए ना महेश। इन्होंने मुझसे अंदर क्या कहा था कि 285 रुपए लेंगे। हाँ? अब यहाँ बाहर आकर कह रहे 300 रुपए लेंगे। गलत है कि नहीं है? गलत, बिल्कुल गलत है। फिर? अरे साहब, सामान भी तो ज्यादा है। अगर भाई ज्यादा सामान, सिर्फ 3 हैंडबैग, 2 ट्रॉली और 2 सूटकेसी तो है। आपको पता है लोग बस में सफर करते हैं तो कितना सारा सामान लेके जाते हैं? अरे पूरा का पूरा घर लेके जाते हैं। ठीक है भाई साहब, आपको भी सजी सुजी वापरना चाहिए। सजी सुजी? सच्चा जीवन, सुखी जीवन। अरे साहब, आप भी जो दे जाते वापरो ना। मतलब जो देना है जल्दी दे दो साहब, धंधे का टाइम है। ये हो गए 285 रुपए। चलो साहब, चलो 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 चलो। आए बच्चे। महेश, तूने मेरे लिए घर तो देख लिया है ना? घर ना? अरे तू क्यों फिकर करता है? तू चाल, घर है अपना। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं इसे अपने ही घर ले जा रहा हूँ?